क्या नाम भाई आपका? रामबती अहिरवार। पति का नाम? सुनील अहिरवार। जिनकी हत्या हो गई है जी। तो आपको क्या कहना है, हत्या हुई है जब डूब के खत्म हुई? हत्या करी है सर। हमारे सामने क्या घटना हुई? हमारे सामने खींच के ले गए थे, उनके मौसाजी लेते हैं वहीं पे, वो उनके गलवान पकड़ के खींच के ले गए। और फिर मुझे पता नहीं, मैंने वो गार्डन तक देखे थे, सेठ जी ने बोला इसको नदी पे ले जा। तो फिर इसके बाद में फिर थोड़ी आधे आधे घंटे बाद आन के फिर मौसाजी ने मेरे पास बताया कि लगे तुम्हें सेठ जी भंबा बुला रहा है नदी पे। हम नदी पे गए तो कल दौड़ के आओ भाग के, तुमसे जरूरी बात करनी है। एक मिनट। तो हम दौड़ के चले गए। फिर क्या हुआ? फिर का कहते हैं कल लगे वो जाग पापा का नाम लेके बोलने लगे, कल लगे वो नदी में कूद गए अपने से। हाँ। तो आपके सामने मारते हुए ले गए थे? जी सर, हमारे सामने एस पकड़ के ले गए थे। धर्मेंद्र बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। धर्मेंद्र कहाँ से बोल रहे हो आप? सर मैं ग्राम कुलो तहसील बैरसिया डिस्ट्रिक्ट भोपाल मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश से? जी सर। क्या मामला हुआ है पूरा संक्षेप में बताएं, तारीख के हिसाब से किस किस तारीख को क्या क्या हुआ है? अच्छा तो सर ये मृतक सुनील अहिरवार के बारे में बात कर लें। हाँ, वो जो अभी जो छोटे बच्चों की वीडियो वायरल हो रही है दोनों की। जी जी सर, ये सर मेरे सगे छोटे भाई का मामला है। अच्छा, जो कितने साल का था? लगभग 29 वर्ष का समथिंग। अच्छा, ये दोनों बच्चे उन्हीं के हैं? जी दोनों बच्चे उसी के हैं, पत्नी और उसके साथ में जो बैठे हुए हैं, एक हमारे उसकी माँ भी है, उसका भाई मैं हूँ, उसका साला भी है, सास ससुर भी है। तो क्या मामला है? आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसको मारा गया है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं आप, और पुलिस कह रही है कि उसने आत्महत्या की है, क्या सच्चाई है इसमें? वो तो सर ऐसा है कि घटना दिनांक को 30-40 लोग थे वहां पर उपस्थित। अच्छा, जो भी वाद विवाद हुआ है सबके समक्ष हुआ है, उसकी पत्नी और बच्चों का भी यही कहना है कि हमारे पापा जी के साथ आतापाई हुई है, उन्हें रस्सी से बांधा गया, उन्हें रस्सी लगाया। जी, और उसी दिन मर्डर हो गया उनका, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल सर, एक घटना कारित की गई है उन लोगों द्वारा, उन्होंने क्या है कि पंजीपति व्यक्ति हैं वो लोग और बाहुबली लोग हैं, राजनीति में भी सक्रिय हैं, तो मामले को दबाने का प्रयास किया गया पुलिस विभाग द्वारा। तो चलिए, ये तो आपने आरोप लगाया, उसके बाद अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? सर जांच में ले लिया गया मामले को, और आज 5 माह होने वाले हैं जांच के नाम पर, मामले को तालाशेरी की जा रही है और कुछ भी नहीं करा जा रहा, पुलिस विभाग उन पर प्रभाव डाल रहा है। 5 महीने? जी 5 माह होने वाले। तो इसमें आईयू कौन है? जी सर, आईयू कौन है इसमें? आईयू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है जिनको मामला दिया गया है जांच का? जी जी, ये सर वो जो थाना है घटना अंतर्गत आता है, थाना सूखी सेमनिया यादव जी हैं विवेचक। अच्छा, तो वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, काम नहीं कर रहा, बल्कि सर हमने जो सीएम हेल्पलाइन की हुई है उसको क्या हमसे वापस लेने के लिए प्रभाव डाल रहे हैं पुलिस वाले, समझौते के लिए बार बार घर आ रहे हैं आरोपी, समझौता करो पैसे ले लो। रो मत ही आप सरकार के लोगों तक हम ये वीडियो पहुंचाएंगे, समझे? एक माँ का दिल क्या होता है हम लोग समझते हैं, आप रो मत ही, रो मत ही। आज मेरे मोड़ भोपाल में रहते, मैं बागान चली जाती हूँ, फोन करने जाऊँ। कितने बच्चे हैं आपके? खत्म होगा, और एक जो है वो मैं देख भोपाल में रहता है, बाकी आज घर से हम नहीं बचे, मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है आपका? कुछ नहीं है, रहे वहाँ पे पूरे लोगों से पूछ सकते। तो आप तो एक सरपंच की बीवी हैं, आप तो एक सरपंच की बीवी हैं। सरपंच साहब, क्या नाम सरपंच साहब का? पहले तो आवाज की स्थिति में कुछ नहीं, पहले तो सब कुछ पहले सरपंच का नाम, उनको नाम बताओ। गोपाल सिंह। तो गोपाल सिंह सरपंच जानी, एक प्रतिनिधि की ये पत्नी है, और अहिरवार समाज के, सोचो यहाँ से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जो एक सरपंच की पत्नी पहले है। तो आज तो घर भी रहे भी नहीं है मेरे पास, घर में मेरी आज हंसी कर रहा है लड़का मारो जब से कुछ। तो सरकार से आप क्या चाहती हैं, शिवराज सिंह से क्या कहना चाहती हैं, बताओ? कहता कि हमारी मदद हो जाओ, और हम जो बच्चों की कानून उन्होंने करवे, नहीं कानून मिले तो अपराधियों को सजा मिले, जांच हो, मतलब ये चाह रहे ना आप, निष्पक्षता जांच हो। हाँ।
उन्हें मारपीट करिए मेरी मोड़ा कभी मर नहीं सका तो जाके तो मम्मी मैं ऐसा कभी जिंदगी में नहीं कर सकूं। मतलब आपका बेटा जैसा था वो तो आप ही जानते हैं, आपका बेटा हिम्मत वाला था, कमजोर था, बहुत अच्छे अच्छे लड़के आ जाते तो जाके तो मम्मी मैं तुम जिंदगी। मतलब आपको भरोसा है कि आपका बेटा कूद के नहीं मर सके? नहीं मर सके, बच्चा भोपाल 10 साल रहा है, जाके मम्मी तुमने हमारे बात जिंदगी खराब करी है, हम कभी मरेंगे नहीं तुम्हारे सामने, तुम मर जाओ हमारे सामने, तो अब मर के जगाओ जी छोड़ के जाओ 60,000 रुपया लगा वहां में लगा। ये मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से जो पूरा परिवार है, और आज उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, और जिस ससुराल पक्ष में इस समय सुनील के ससुराल में हूँ मैं, और उनकी माता जी भी हैं यहीं पर, उनके भाई भी हैं, उनके ससुर साहब हैं, सास है, उसकी पत्नी है, दो बच्चे हैं छोटे छोटे। नमस्कार, घटना दिनांक 31/7/2022 की है, दिन रविवार। जिस घटना दिनांक को हमारे भाई की मृत्यु की सूचना हमें पुलिस विभाग द्वारा दी गई, साथ में हमारा भाई ग्राम फतेहपुर चांद मियाँ खां के निजी फार्म हाउस पर अपने बीवी बच्चे परिवार के साथ मजदूरी के तौर पर काम करता था। दिनांक 31/7/2022 को उसकी मृत्यु हमें पुलिस सूचना द्वारा पता चली है, लेकिन हमें संदेह है कि हमारे छोटे भाई के साथ उसकी हत्या कर घटना को। तुम्हें कैसे पता चला वो कैसे खत्म हुआ? हमें परिजनों एवं घर के सदस्यों के द्वारा पता चला। और थाने द्वारा क्या पता चला, किस तरह की उन्होंने जानकारी द्वारा हमें जो रिपोर्ट बताई जा रही है वो आत्महत्या की बताई जा रही है। किस तरह से आत्महत्या की? पानी में डूबने से उसकी मृत्यु बताई जा रही है। अच्छा, घटना स्थल पर उसकी पत्नी, उसकी 6 साल की बच्ची, 3 साल का लड़का एवं साथ में उक्त दिनांक को 30 से 40 लोग और भी मौजूद थे। पूरा फार्म हाउस सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। सीसीटीवी कैमरे है जी, पूरा फार्म हाउस सीसीटीवी कैमरे। तो आप लोगों ने थाने में जो नहीं कहा कि सीसीटीवी कैमरे का पूरा फुटेज निकलवाया जाए? अब वो पुलिस जांच के ऊपर डिपेंड करती है सारी चीजें, पुलिस ने तो जांच करी है अभी तक। पुलिस ने घटना होने के बाद आपने थाने में रिपोर्ट नहीं करवाई? बिल्कुल, हम थाने में हम संदेह के आधार पे FIR दर्ज कराने की मांग कराने गए थे थाना प्रभारी से, पर थाना प्रभारी महोदय ने हमें दुर्भाव ने पूर्व थाने से निकाल दिया हमारी कोई बात न सुनते हुए। उसके बाद मैं निराश होकर घर आया और दिनांक 8/8/2022 को मैंने CIM हेल्पलाइन में प्रथम सूचना रिपोर्ट न लिखने की शिकायत दर्ज कराई है, जो कि 4 महीने से आज L4 अधिकारी। आप लोग कौन सी जाति के हैं? अनुसूचित जाति आहिरवार समाज से संबंधित है। और उसके अतिरिक्त दिनांक 10/8/2022 को AJ के आजाक SP पुलिस अधीक्षक भोपाल को भी हमने निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कराने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसकी जांच AJ के थाना हरिजन कल्याण से कराई गई। उसमें हमारे भी स्टेटमेंट लिए गए, हमारी माताजी के भी लिए गए, हमारी बहू मृतक की पत्नी के भी स्टेटमेंट लिए गए, जो स्टेटमेंट आप उनकी पत्नी के माध्यम से सुन सकते हैं। और दूसरी बात, आज 4 माह हो चुके हैं AJ के थाने की कार्रवाई को, लेकिन ना तो हमें कोई जानकारी दी जा रही है और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जा रही है पुलिस विभाग, और ना आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा रही है। और इसके अतिरिक्त भी पुलिस अधीक्षक देहात को भी हमने एक आवेदन दिया है निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई हेतु, उस पर भी हमारी जांच और स्टेटमेंट लिए गए हैं, पर पुलिस विभाग द्वारा आज दिनांक तक 4 माह में कोई एक्शन नहीं लिया गया आरोपियों पर। आपको लोग क्या चाहते हैं? हमें न्याय हो सर, हमारे भाई के साथ जो घटना कारित की गई है आरोपी। कोई धमकी वाले फोन वगैरह, कोई पार्टी के कुछ लालच वगैरह कुछ ऐसा हुआ कुछ? जी सर, फार्म हाउस का जो मालिक है उसने हमसे संपर्क करने का प्रयास। फार्म हाउस किसका है? चांद मियाँ। और कहाँ के है ये? ये शायद मंडीदीप के रहने वाले हैं, ग्राम फतेहपुर में इनका फार्म हाउस। तो चांद मियाँ द्वारा हुआ है या और कोई साथ? उनका जो लड़का है फिजी खान, घटना दिनांक को फार्म हाउस पे 30 से 40 लोगों के द्वारा एक पार्टी का आयोजन था, उसी पार्टी के दौरान बाकी की घटना जो है उसकी पत्नी ने मुख्य देखी है। चलो उनसे बात करते हैं।